हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। झारखंड में चुनावी विसात बीत चुका है। अभी हम चतरा में मौजूद हैं और चतरा में फर्स्ट फेज का चुनाव है और चुनाव की सारी तैयारियां हो गई है। नेता नामांकन भर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन पासवान जी हैं। आइए उनसे जानते हैं वो कौन सा चुनावी मुद्दा लेकर मैदान में हैं। जनार्दन जी, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। आपको भी। ये बताएं कि कौन सा मुद्दा है जिसे लेकर आप चुनाव मैदान में हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमको लगता है कि आज़ादी के बाद से मोदी जी का जो कार्यकाल हुआ है, आदरणीय से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से संजीदा होकर के जो जनता के बुनियादी समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने पहल किया। आयुष्मान भारत कार्ड, जो गरीब गुरबा बीमारी से ग्रसित होकर के पैसा के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती थी, आज 5 लाख रुपया साल में वो खर्च कर सकते हैं। तो आप देखें, हमको लगता है कि 57 लाख लोग उसका बनाया, उसका लाभ ले रहे हैं। हमको लगता है चतरा जिला से 40,000 लोग उसका लाभ ले चुके हैं। तो आप देखिए, ये जनता के 5,000 तक मिल रहा है, 6,000 कहिए, 50 डिसमिल भी ज़मीन है किसान की आपको मिल रहा है, तो 6,000 रुपया उसको सालाना बीज खरीदने के लिए। पहले बीज लोग दे देता था, अब बीज अपना मर्जी से खरीद रहे हैं। आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री आवास, जो बेचारा सदियों से झोपड़ी में उसको घर पक्का मकान रहने का मौसर नहीं हुआ था, अब उसको आवास मिल रहा है पक्का के मकान में। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है कि 2022 तक एक आदमी कच्चा मकान नहीं रहेगा, सभी लोग के पक्का मकान में रहेंगे। तो यह अभियान जो मोदी जी का चल रहा है, हमको लगता है कि विपक्ष पास तो कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास तो केवल मुद्दा हम गिना रहे हैं कि कोई काम आपको बाकी नहीं रहेगा। 2022 तक जो प्रधानमंत्री घोषणा किए हैं कि स्वच्छ पानी भी आपको देंगे, हम आपके घर में नल से पानी मिलेगा, तो ये बड़ी उपलब्धि। हमको लगता है कि जनता की जो समस्याएं हर बिंदु पर गंभीरता से ले रहे हैं। आप ODF पहले लोग याद देखते आप, तो निश्चित प्रधानमंत्री बनते, हमको लगता है 14 जब प्राइम मिनिस्टर पहले बने थे, उसी समय उन्होंने घोषणा किया था कि सभी गांव में एकदम जो बाहर में शौच करने के लिए लोग जाते हैं उसका शौचालय बनाइए, तो बन ODF हो गया, पूरा ही हो गया। तो निश्चित तौर पर, और एक एक आदमी की ये पूरा इलाका हम जैसे अभी घूम रहे हैं, एक सिक्योरिटी मेरे साथ है यहाँ घूम रहे हैं, आप 2014 के पहले यहाँ नहीं घूम सकते थे, पूरा अपराधी के बोलबाला रहता था। तो शांति, सौहार्द, सारे मुद्दे जो है जनता के, उसका एकदम समाधान हो रहा है। अब कोई समाधान के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, प्राइम मिनिस्टर जितना दिन रात सोच रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जितना चिंतित हैं, तो हमको लगता है सारा समाधान हो रहा है। और अब जिधर गांव में आप जाएंगे तो पता चलेगा भाई यहाँ बीजेपी यहाँ फूल जाप, तो निश्चित तौर पर बीजेपी। हाँ, एक चीज़ बताएं कि आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये जुमले की सरकार है, दावा बड़े बड़े करते हैं लेकिन धरातल पर जो वो दावे करते हैं वो नहीं है। ये विरोधी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, आप जुमला बोल देना, आप किसी कुछ बोल दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन आज देखें कि आज़ादी के 65 साल आप गांव में लाइन थी, जहाँ पर हम लोग खड़ा जंगल में बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद तक आज तक यहाँ पर लाइन नहीं थी। अब गांव में जितना देर तक बिजली मिल रही है, कम से कम मोदी जी के देन है, प्रधानमंत्री जी के देन है। अब पानी मिल रहा है, हमने कहा इतना सब गिना दिए, दुनिया भर के गिनाना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते क्या हो सकता है, उतना देर चले नहीं, इसलिए बहुत कम मैं गिनवा रहा हूँ। जितना आप देख रहे थे, रोज मारे जा रहे थे आतंकवादी, 370, अब हम नहीं बोल रहे थे, हम सोचे लंबा नहीं खींचना चाह रहे थे, धारा 370, एक देश दो कानून, एक देश दो झंडा नहीं चलेगा। मोदी जी की जो ताकत हमको लगता है, वो ताकत अभी बोल रहे हैं मोदी जी के नाम लगता है हमें ताकत आ गया है, तो मोदी जी की जो ताकत है दुनिया एहसास कर रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर है। सरकार बनी थी और 70 दिन के अंदर 370 समाप्त हो गया है। हाँ, मुस्लिम जो मुस्लिम महिलाएं थी, अब जब मन में आया तलाक 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 कर दिया, खत्म हो गया बेचारा,
हम निश्चित तौर पे मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं कि हम इस जनता के जो बुनियादी समस्या है उस समाधान के लिए और दुनिया के सामने जो भारत की समस्या है उस समाधान के लिए भी उन्होंने प्रयास करा है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, हम अभी क्षेत्र में घूम रहे थे, खास करके आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि हिटलर शाही की यहाँ पे सरकार है, हिटलर की तरह व्यवहार करते हैं, क्या कहेंगे आप? आप देखिए, मैं बोलना चाहे जो विरोधी के नाम ले रहे हैं, हम भी बिना नामे ले बोल रहे हैं, कृषि घोटाला में 2-3 महीने हम जाने वाले हैं, सजा होने वाला है 2-3 महीने के अंदर, गवाही चल रहा है केस, ये बोलते हैं हिटलर। अब आप गलत बोलिएगा, आप गलत काम कराना चाहिएगा, नहीं कुछ सुनता तो हिटलर सा ही हो गया। हमने बोला कि आम पब्लिक से पूछिए, बाजार लगा हुआ, बाजार लगी हुई है, अब बाजार में पूछिए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कितना बड़ा होगा, अब बाजार में पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का एकदम इतना जन खड़ा है देख लीजिए, अब जिससे माइक लगाइएगा सब बोलेगा बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी और रघुवर दास। तो निश्चित बड़ी उपलब्धि है इस राज्य के लिए, इस देश के लिए। विरोधी के पास कोई मुद्दा है? अब कहाँ बेचारा बोलेगा, वो कुछ तो बोलना चाहिए ना उसको। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि जो बीजेपी है उसके पास कैंडिडेट उसको बदलना पड़ा, हर बार कैंडिडेट बदल करके वो जीतती है, लोगों को गुमराह करके जीतती है। साथ में ये भी आरोप लगाते हैं, जिस कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं आप, वो ये भी आरोप लगाते हैं कि जनार्दन पासवान जी पे कई गंभीर मामले हैं। तो हम तो बोले कचहरी में तो चक्कर कभी नहीं लगाते हैं, अब आरोप है कब का आरोप निकाला, 86 जन्म जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, वो लोग जन्म के पहले आरोप निकाले हैं। हम लिख भाई देख लो, अरे न्यायपालिका पर भरोसा, अब कोर्टे खत्म कर दे रहा है कोई मामला तो हम उसमें क्या करेंगे, बताइए ना आप। हम लोग दोषी हैं, अगर रहते तब तो उसमें बच नहीं पाते। अब जो केस हम लोग को फाइनल हो गया, अब उस पर भी लोग एलिगेशन लगाते हैं। राजनीति में दोस्त कम होते हैं, दुश्मन अधिक होते हैं। कौन लोग दुश्मन होते हैं? जो प्रतिस्पर्धा में बाजार में लगे हुए हैं। जनार्दन पास नुकसान कैसे पहुँचा? अरे देश के मालिक जनता है, जनता भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हमें गौरव हुआ है इस पार्टी में आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी एकदम समझिए कि एकदम सोच समझ के निर्णय लेने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी में हमने कहा है कि एक एक शरीर का बूंद रहेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहूँगा, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने के लिए मैं सेवा करते रहूँगा। जनार्दन पासवान अगर जीत कर आते हैं तो चतरा की बात करें तो चतरा की जनता के लिए ऐसा क्या करेंगे वो जो एक मिसाल होगा? देखिए, एक तो सबसे पहले हमने पहले ही कहा, अपराध मुक्त चतरा होगा, जो सुख और शांति, खेती बाड़ी जो किसानी लोग हैं खेती बाड़ी करके काम करके मेहनत करके आगे बढ़ें, कोई लेवी लेने वाला आदमी नहीं मिले। कमाएगा किसान, लेवी लेगा बाहर से जंगल में आकर के लोग, वो नहीं मिले। दूसरा, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज भी बहुत खुल रहे हैं, शिक्षा के जैसे शिक्षकों की कमी है उसका भरपाई हम लोग करेंगे। यहाँ हम हमारे यहाँ विद्यालय है, शिक्षकों की कमी है, उसका कैसे विषयवार सब्जेक्ट के आधार पर शिक्षकों की हो पदस्थापन हो, हम लोग उसको करेंगे। साथ ही साथ जो जनता की बुनियादी हमने समस्या कहा कि स्वच्छ पानी कैसे मिले, तो सरकार के प्लानिंग हम उसमें सहयोग करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग की सोच पॉजिटिव रहा है शुरू से, हम 10 साल में यहाँ पर MLA रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक आदमी को नहीं बोल सकता है जनार्दन पासवान के लिए, कौन बोलेगा? जो विरोधी हमारा वही बोलता है, जो विरोधी नहीं है। जिस गांव में मैं जा रहा हूँ, ये बाजार हम ही लगाए थे, बाजार को मैंने उद्घाटन कराया था, हर सप्ताह में 2 बार बाजार यहाँ लगती है, इतनी अच्छी जगह है, एकदम पीसफुली, सब इलाका पूरा डिस्टर्ब था पहले, शांति मिला यहाँ, और सौहार्द के वातावरण पैदा करेंगे। एजुकेशन लोग अच्छे गुणवत्ता के एजुकेशन मिले, शिक्षा के आधार मजबूत हो, तो इन बिंदु पर हम लोग काम करेंगे। जनार्दन पासवान जी अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा विरोधी है ही नहीं, बेचारा जनार्दन पासवान हल्ला मचा रहे हैं कि उसके पास कैंडिडेट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के एक से एक कैंडिडेट है, अब 50 कैंडिडेट है, उसमें चयन करता है कि कौन अच्छा रहेगा। विरोधी यहाँ है नहीं, विरोधी बस क्या बच गया, बिहार पूरा साफ हो गया, बिहार पूरा भाजपा में हो गया, देश पूरा भाजपा हो गया, झारखंड भाजपा 65 बार का नारा है, हमको लगता है कैसा नहीं कि 81 में 81 सीट जीत दिया, यहाँ ये स्थिति बन गया है। यहाँ पर विरोधी कहाँ है, चिल्ला रहे हैं ये लोग, पूरा गठबंधन 20 को मिल के पार्टी बना रहे हैं ये लोग, ये 20 को मिला हुआ झारखंड विकास मोर्चा अलग हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, मैंने तरह तरह के जो एकदम रिजेक्टेड पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के जहाँ जब इसको हम रिजेक्ट कर दिए थे, हमने छोड़ दिए इसको, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से छोड़ दिए, अन्नपूर्णा जी माननीय सांसद कोडरमा के सांसद हैं, तो निश्चित यहाँ कोई आधार नहीं है। अब वहाँ जाकर लोग राजनीति शुरू करना चाहते हैं, अब वहाँ से चिल्ला रहे हैं, भाई अपना देख लो कि तुम्हारे अपने कितना गुण है।
अपना आपको नहीं देखते हैं, दूसरा का मुंह खोले चल रहे हैं। भाई आपको रहेगा तब नहीं खोजेगा। ये बताएं कि आप अगर जीत कर आते हैं तो कैसे, मतलब यहाँ की जनता को आप वोट मांग रहे हैं अभी, तो क्या भरोसा उन्हें दिला रहे हैं कि ये काम हम करेंगे? देखिए जनता के मेरे ऊपर भरोसा है, अभी तो हम लोग उम्मीदवार हैं, आचार संहिता के दायरे में नहीं कुछ बोलना चाहिए ज़्यादा, लेकिन चूँकि आप कुछ बोलवा देते हैं तो वो बोलना पड़ता है। आप जब काउंटिंग में जब देखिएगा तो बोले 75,000 लाख से लीड कर रहा है जनार्दन पासवान, ऐसा माहौल बनेगा पूरा। देखिए इधर जिधर मैं घुमाइए सब बोलेगा बीजेपी जिंदाबाद बोलेगा, तो जनता के हर समय सुख दुख में हाजिर। अभी मैं श्राद्ध में जा रहा हूँ, प्रचार में मैं नहीं जा रहा हूँ, एक श्राद्ध में मैं जा रहा हूँ, और हमको कहीं इन्फॉर्मेशन मिलता तो हम पहुँच जाते हैं तुरंत, 12 बजे रात में रुक के रिंग करेंगे हम पहुँच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम क्षेत्र में घूमते रहते हैं दिन रात, क्षेत्र में कुर्ता पैजामा हमारे बाहर रखा हुआ रहता है, बस पहरे और निकल जाएंगे तुरंत। तो जनता आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई यहाँ पे अब किसी से नहीं है? नहीं लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई में कोई है नहीं, हमारा विरोधी समझिए आए नहीं। अब जरा आरोप प्रति आरोप, विपक्ष पास कोई मुद्दा नहीं तो मुद्दा कोई तो बोले जुमले की सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं। इतना बहुमत से सरकार बन गई भारत सरकार और कार्य दिखाई पड़ रहे, ये 370 जो धारा समाप्त हुआ, अब कश्मीर जो जम्मू कश्मीर भारत के अंग बन गया, इसमें भी लोग नहीं सोच रहा, उसका भी हल्ला कर रहे थे, नहीं होना चाहिए था। मैंने राज्य देश बांट जाए, क्या विपक्ष क्या बोलना चाहता है, बांट दे उसको, दे दे जगह। निश्चित तौर पे अभी जो पड़ोसी देश हैं जिनका संबंध बनाना चाहते हैं संबंध भी बन रहा, जो संबंध बिगाड़ना चाहते हैं, जो आतंकवादी भेजना चाहते हैं, वो हड़क डर भी रहा है इस भारत से कि मोदी जी है, एक सप्ताह के अंदर में बदला लेने वाला प्राइम मिनिस्टर है। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम पर हम लोग, राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हम लोग उम्मीदवार हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो गिरा पड़ा हुआ है हमको लगता है निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत होगा यहाँ पर। राड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे चतरा से बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन पासवान जी, जिन्होंने साफ किया कि चतरा में उनकी लड़ाई किसी से नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के सीएम रघुवर दास के काम बोल रहे हैं और उसके आधार पे ये भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, राड नेटवर्क, चतरा। हम हैं राड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।